शनिकेतन हाई स्कूल क्लास सेवन। मैं आपको शशि मैम आपको आज से SST पढ़ाऊँगी। पहले आपको कंचन मैम पढ़ाती थी, अब मैं पढ़ाऊँगी। तो आपकी मैम ने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के 1-4 क्वेश्चन लेसन करा दिए थे, ठीक है। 1-4 लेसन आप सभी बच्चों ने लिख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं लिखे हैं उनको मैं दोबारा से एक बार फिर से सेंड करूँगी 4-4 लेसन। तो आप अपनी कॉपियों पर सभी बच्चे लिखेंगे। आज हम ज्योग्राफी का 5th लेसन पढ़ेंगे। कौन सा लेसन पढ़ेंगे? 5 लेसन, ठीक है। तो इसलिए सब अपनी बुक में से इसको जितना मैं रीड कराऊंगी आज उतना रीड करेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। परंतु उससे पहले मैं 4 लेसन दोबारा से आपको सेंड करूंगी, उसके बाद आप उन क्वेश्चनों को लिखेंगे, ठीक है। अपनी कॉपियाँ सभी पूरी रखेंगे। हिस्ट्री के 1-4 लेसन, सिविक्स के 1-4 लेसन और ज्योग्राफी के 1-4 लेसन, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे उसका ज्योग्राफी का 5 लेसन, जिसका नाम है जल, ठीक है। इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जल से क्या क्या प्रक्रिया होती है और जल कहाँ से हमें मिलता है और किस तरह से भाप बनकर उड़ता है और किस तरह से वर्षा होती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सूर्य के ताप के कारण क्या होता है? जल वाष्पित होता है, यानी कि जब सूर्य की गर्मी पड़ती है तो जल वाष्प के रूप में उड़ता है। ठंडे होने पर यह जो जल वाष्प होते हैं वो संगठित बादलों का क्या लेते हैं? रूप ले लेते हैं। जिस तरह से भाप उड़ती है तो वो क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ यह वर्षा हिम अथवा सही वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र से नीचे गिरता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे हिम यानी कि जो आपकी जो ये बर्फ़ होती है, हिम और वर्षा के रूप में जो ये आपका जो बादल बनकर गए हैं भाई, यानी भाप बनकर जो बारिश गया वो इस तरह से नीचे गिरते हैं और धरती पर आने के बाद ये जो जल होता है नदियों के द्वारा ये किस में गिर जाता है? द्वारा से समुद्र में गिर जाता है, ठीक है। फिर उस पर फिर द्वारा से क्या होता है, जल उड़ता है समुद्र से, भाप बनकर फिर बादल बन जाता है। तो इस तरह से ये जो चक्र होता है ये इस तरह से चलता रहता है। जैसे इस पिक्चर के थ्रू मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये समुद्र है, ठीक है। ये समुद्र बाष्पीकरण हो रहा है इसका, ठीक है। ये बाष्प बनकर क्या बन रहे हैं? इधर से बादल बन रहे हैं, ठीक है। बादल बनकर क्या होता है, फिर द्वारा से ये बादल बनकर एक वर्षा के रूप में इस तरह से बरस जाते हैं। फिर द्वारा ये इसका जो जल है जैसे नदियों नालों से निकल कर कहाँ पर चला जाता है? आपका द्वारा से समुद्र में चला जाता है, उसका क्या हो जाता है? वाष्पीकरण हो जाता है। फिर द्वारा से ये जो चक्र होता है इस तरह से ये चलता रहता है कि जल उठता है, वाष्पीकरण होता है और फिर द्वारा से हिम के रूप में बरस जाता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी जो होती है धर्मशाला के समान होती है। किसके समान होती है? धर्मशाला के समान होती है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था वहीं आज भी मौजूद है, ठीक है। जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में या किसी भी पंजाब है, हरियाणा है, किसी भी उसका स्टेट का नाम ले लो, वहाँ पर सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। कि सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता होता, ठीक है। अलम्न जन के मुख्य स्रोत होते हैं ताल, सोते, हिमनद, महासागरों का जल लवणीय होता है। कैसा होता है? लवणीय होता है, यानी कि नमकीन होता है। इसमें क्यों नमकीन होता है? क्योंकि इस जल में जो नमक क्लोराइड की मात्रा ज़्यादा उपयोग मात्रा में होती है। इसका जो इसमें समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन होता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? नमक प्रयोग होता है। जो हम खाने के रूप में नमक यूज़ करते हैं ना, वो नमक प्रयोग होता है। समझ में आ गया? तो ये इस तरह से ये जल जो होता है किस तरह से भाप बनकर उड़ता है और फिर किस तरह से जल के रूप में ये वापस पृथ्वी पर आ जाता है। समझ में आया यहाँ पर? उसके बाद देखते हैं कि जल का वितरण किस प्रकार है, कि भाई जल किस तरह से है। तो ये माना जाता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह का जो 3/4 भाग है, यानी कि पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो सारा जल से ढका हुआ है। बाकी भाग पृथ्वी से ढका हुआ है और बाकी जो 3/4 भाग है किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है। यदि धरती पर थल की अपेक्षा जल अधिक है तो अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है कि महासागर में 97.3, ठीक है, ये जल है, ठीक है, महासागरों में इतना परसेंट जल है। और जो बर्फ़ के रूप में है वो है 0.02.0, ठीक है, ये तुम्हारा बर्फ़ के रूप में मौजूद है। और जो भूमि का जो जल है वो है 0.0.68, इतना परसेंट आपका जो है भूमि का जल है। और जो झीलों में अलब्न पाया जाता है वो पाया जाता है 0.009। तो इस तरह से जो जल का जो वितरण है वो इस प्रकार से होता है, ठीक है। और इस प्रकार पूरा परसेंटेज निकाल कर पड़ता है हमारा 100% कि इतना जो परसेंट जो पृथ्वी का जल है वो इस तरह से डिवाइड होता है। समझ में आ गया? अब क्या है कि इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीवन जो जल को जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए जल, ठीक है। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास नहीं बुझाता, ऐसे ऐसे आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि